सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज देव और आप देख रहे हो टैक्स यूट्यूब चैनल। आपके लिए लेकर आई इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो। फटाफट से गाइस सभी वीडियो को लाइक करके चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो गाइस आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। नेक्स्ट एपिसोड में गाइस हमने ये लैम्बोर्गिनी खरीदी थी और गाइस अब हम सोच रहे हैं इसको सेल पे लगा देते हैं। तो गाइस अभी तक जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मेरी वीडियो आधा तो देखा करो भाई, आधा नहीं तो पूरा नहीं, आधा तो देखा ही लिया करो। तो गाइस एंजॉय द वीडियो, चलते हैं गाइस पहले इस वीडियो को गाड़ी को साफ करते हैं। पोस्ट रात हो गई यार, आते आते रात हो गई भाई, जब तो हमने गेम स्टार्ट करा था। अरे चमक रही है गाइस गाड़ी, चमक। ओ शिट मैं तो भूल ही गया था गाइस 12 बजे ऑक्शन स्टार्ट है। फटाफट से इसको रखते हैं। गाड़ी को गाइस कितने बजे, लैम्बोर्गिनी को 4 लाख की है तो आयो 8 लाख ये तो जानी चाहिए ना, 8,50,000 8,50,000। हाँ ठीक है, देखते हैं इसको 8,50,000 में खरीद पाता है कि नहीं खरीद पाता है। आई नो बट गाइस 7 लाख में तो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा कम की तो हम नहीं बेचने वाले। 8,50,000 इसको लगाता है जब सेल पर, और एक बार चल के ऑक्शंस की गाड़ियाँ देख के आते हैं कौन सी बढ़िया गाड़ी आई है कि नहीं आई है कोई। आज 12 बजे स्टार्ट है और अभी कितना टाइम हुआ पता भी नहीं। 8,50,000 मैंने बताया, थोड़ी सी डर्टी है, फ्यूल भर रखा है, 3% डैमेज है। 6,44,000 तो इसको कितना बचाएंगे, 7 लाख। 7,000,000 7 लाख में तो भाई इसको लेना ही पड़ेगा यार। ओ भी बोलते गए 7 लाख में गाइस हमने शिकार को बेच दिया है। अब करते हैं गाइस मार्केट, अपना शोरूम बंद और चलते हैं गाइस एक बार सो के आ जाते हैं। नेक्स्ट डे वाले ऑक्शंस में देखेंगे क्या निकलेगा। नहीं वो चलते हैं गाइस, कंटेनर के अंदर वाली जिंदगी अब चली चुकी है, चली जा चुकी है क्योंकि अब बिजनेस मैन बन चुके हैं। सो के देखते हैं एक बार नेक्स्ट डे क्या ऑफिस से ऑप्शन ओपन होगा। 7 लाख का पूरा प्रॉफिट है, 0 रुपये स्पेंड करे हमने। वैसे मैंने 7 लाख में नहीं, 7,50,000 तक तो लेके जाना चाहिए था उसको यार, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, इसलिए गाइस लगता है कार मार्केट ओपन है। गाइस पहले कार मार्केट चलते हैं, आज तो गाइस फरारी लैम्बो दोनों लेके आ सकते हैं अपन लोग। ओडी R8 लाने की सोचेंगे, क्या पता ओडी R8 हो इसके अंदर। फरारी आ चुकी है गाइस, फरारी लेनी है अपन को, दो फरारी है गाइस इसके अंदर, पर मैं तो ओडी R8 की सोच रखी हूं गाइस। ओडीआर जैसे कि है नहीं इसके अंदर तो फरारी निकाल देते हैं गाइस। फरारी 80% टस्ट है, 4,10,000 में नहीं, 3,50,000 ये वाली प्राइस इसके लिए बहुत ज़्यादा ठीक होने वाली है। ओके गाइस एक खरीद लिया हमने, एक फरारी का जब अपन लोगों ने खरीद लिया, इसको क्या अपन लोग लगा देते हैं अपने शोरूम में। एक और फरारी खड़ी है यहाँ पे तो देखते हैं ये कितना मिल रही है अपन को। ये डैमेज है गाइस कार, बहुत ज़्यादा गंदी वाली, इन्हें सस्ते में बेच रहा है। इससे बात करते हैं 2 लाख की, देखते हैं 2 लाख में देता है कि नहीं देता है। आई एम थिंकिंग ओके यार ये 2 लाख मैंने दे रहा है, ठीक तो जाएंगे 2,10,000 सही है ना प्राइस, देखते हैं देता है कि नहीं देता है। ओके ये कार वगैरह ले लिए, थोड़ी डर्टी है पर ठीक है, अपन इनमें अच्छा खासा रुपया लगा के इसको बेच सकते हैं। बाकी तो मेरे को यहाँ पर अच्छी कार दिखाई नहीं दे रही है, अपना प्रॉफिट लेके चलते हैं अपन लोग अपने ऑफिस के अंदर। अच्छी लग रही है, इसको लगा देते सेल पे। बहुत ज्यादा गाइस तगड़ी लग रही है हमारी,
नीचे तो गाइस वही फ्यूल प्राइस है उसकी। अब गाइस दूसरे वाले को मॉडिफाइड करा के लेके आते हैं, कार मार्केट ही जो बन, वो तुमको पता है, उधर से तो हम ये लेके आए हैं। चलो अभी इस वाले फरारी को स्टार्ट करते हैं। इसमें बैठ नहीं पा रहे गाइस अपन लोग। चलो अब इसके गाइस टायर बहुत ही घटिया लगवा रखे हैं और इसमें शायद थोड़ा डैमेज है, इसके डैमेज को भी सही कराते हैं। डैमेज अगर फटाफट से इसको सही कर दो, डैमेज हो ही गई आखिर। कस्टमर से बात करते हैं, मेरी ड्राइविंग आज बहुत ज़्यादा घटिया है तो गाइस प्लीज कमेंट मत करना। बहुत ज़्यादा कस्टमर रखे हैं, एक बार इनसे बात करके देखते हैं ये क्या क्या प्राइस बता रहे हैं। थोड़ी डर्टी बहुत ज़्यादा हो गई, 7 लाख बताए हैं, आई एम थिंकिंग 4 लाख। नो वे गाइस, 6 लाख से तो कम की बेचनी नहीं है यार, इसमें तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। फास्ट गाइस गाड़ियों को दो पाएंगे, देखिए अब चलते हैं गाइस एक बार इससे भी गाड़ियाँ साफ करके देखते हैं। आज गाइस हमने नई चीज़ अनलॉक कर ली है, अभी बिल पे बता रहा है कौन सा बिल पे करना है तुम्हें। भाई मैं इनसे कुछ लोन नहीं लेता, कोई कुछ नहीं लेता, फिर भी बिल पे करो बस। पता नहीं किस चीज का बिल ले रहा है, कौन से जन्म का उधार रह गया था इनका। ये कार तो गाइस हमारी बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है क्योंकि हमने इसको बहुत दिनों साफ नहीं करा है। ये कलर वैसे भी गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भाई ये कार का चमक तो गजब रही है, ये गाइस बहुत सही चीज है यार, इससे बहुत जल्दी साफ हो रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, दूर से ही हो जाता है इससे तो। चलो ये कार तो साफ हो गई, अब अपनी लैम्बोर्गिनी को भी फरारी को भी साफ कर देते हैं। बस फरारी साफ होने वाली है बस। अब गाइस इस कस्टमर से बात करते हैं, 7 लाख की बता रखी है, तू बहुत ज़्यादा कम डर्टी है, फ्यूल भी भर रखा है, डस्टी लिखा है, 6 लाख 12 हज़ार है। सब लोग 4 लाख ही बता रहे हैं, जैसे इसकी एक्चुअल प्राइस ये 3 लाख 50 हज़ार। भाई इतने कम में हम सेल नहीं करने वाले, थोड़ा एक बार प्राइस को चेक करेंगे। भाई डस्टी ज़्यादा है, 80 हज़ार की बताइए। देखो ये इसमें सही प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं इसको जैसे बताऊँगा ना 9 9 9 9, देखते ही देते कि नहीं देते हमको। 60 हज़ार बताए थे, 5 8 9 0 0 ये प्राइस मिल गया जिनको लेनी पड़ी गाड़ी, फिर भी नहीं मान रहे यार, थोड़ा सा होते देते 5 5 0 0 0 यार, इतने में भी नहीं लोगे तो फिर यार मेरा क्या प्रॉफिट होने वाला है इसके अंदर। चलो लैम्बो फरारी के लिए कोई नहीं आया क्या, इन मैन से बात करते हैं। हाँ मैम बताओ आपको क्या चाहिए। 4 लाख 28 हज़ार डोंट सेल। भाई इस कार के लिए बहुत ज़्यादा कस्टमर आने वाले हैं, पर ये लोग बात को समझते नहीं है यार गाइस, कार 7 लाख प्राइस बता रहे कि फिर भी इतना कम बता रहे हैं। 3 लाख लगा रखे क्या इसके अंदर। इसका इंजन देखो गाइस, पीछे देखो पीछे इंजन क्या तगड़ा लग रहा है यार। हाँ चलो अब गाइस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और इसको लेके जाते हैं सेल लगाने के लिए। ये कस्टमर रखेगा जी अपनी दुकान पर, ओ शिट गाइस मैंने फिर से नुकसान करा लिया अपना, नुकसान हर बार होता है। सेल बंद है फिर भी खरीद रहे हैं, ये शॉप बंद है। 9 हज़ार टोंट सेल। ये और कैसे पहली बार सीन हुआ है, दुकान बंद है फिर भी कस्टमर आ रहे हैं, आ तो नहीं रहे हैं बस जा ही रहे। चलो एक बार खोलते हैं इसको और एचएल थंबनेल लेके देखते हैं एक बार। न्यू टू फरारी,
भाई दोनों फरारी 5000 देखते ही लेता कि नहीं लेता। अगर ले ली तो ठीक है, नहीं ली तो भी ठीक है। चलो उसको दे दिया है। अभी 6 लाख पॉइंट है हमारे पास, 6 लाख डॉलर। इस कार का भी काश को जल्दी कस्टमर आ जाता। फटाफट से आ जाओ यार प्लीज़ मेरे को कार मार्केट। तो गाइस मैं चले जाता हूँ कार मार्केट के अंदर, जब कस्टमर आएगा तब वापस आ जाएंगे। देखते हैं कार मार्केट के अंदर क्या अच्छी कार आई होगी कोई। अगर गाइस जब OTR8 आई होगी तो हम उसको बाय कर लेंगे OTR8 को। ओके गाइस OTR8 भी आ चुकी है। OTR8 गाइस बाय हम करने जा रहे हैं। OTR8 गाइस हम खरीद सकते हैं। OTR आ रही है, 7 लाख बता रहे हैं, 6 लाख, 6 लाख देते हैं गाइस इसको। देखते हैं 6 लाख में बात बनती नहीं बनती है। ओके गाइस 6 लाख में गाइस अपने OTR8 खरीद ली है। भाई साहब क्या तगड़ा वाला नेक्स्ट लेवल फील आ रहा है गाइस अभी। इसको गाइस भेज दुकान में गाइस हमारे कस्टमर आ रखे हैं। लेके चलते हैं इसको डायरेक्ट शोरूम के अंदर। उतरते हैं गाड़ी के अंदर से। क्या एक तगड़ा वाला सीन होने वाला है ना। ओहो कस्टमर तो आएगा जिसके भी 12 लाख में गाइस कौन खरीदेगा इस कार को। अगर सेल कर दे तो गाइस बहुत ज्यादा महंगी हो जाने वाली है कार। हर जगह पे भाव बढ़ जाएंगे इस कार के। बस 7 लाख बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे, 7 लाख बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है। खरीदी कितने में थी, 6 लाख में खरीदी थी। ये कितने बता रही है, इसको तो भाई डायरेक्टली डोंट सेल करो। और अभी ये नया कस्टमर है इससे बात करते हैं। 12 लाख बता रखे हैं, 6 लाख डोंट सेल। एक बंदे ने बस 7 लाख बताई, बाकी अभी तक किसी ने नहीं बताई है। बॉडी डज थिंकिंग 6 लाख, बट यार ये क्या प्रॉफिट दे रहे हैं जब हमको, इनसे हमको प्रॉफिट क्या हो रहा है। ये देखते हैं ये कितना दे रहा है, 7 लाख 12 हज़ार, 8 लाख में गए। अगर ये लेता है तो इसको बेच देते हैं। 8 लाख में लेना तो भाई ले जा रहा, हमसे कोई तकलीफ नहीं। ओ हो गाइस आप लोग एक बार देख ही सकते हो, जब हमारे पास 1 मिलियन पॉइंट हो चुके हैं, 1 मिलियन डॉलर। अभी चलते हैं गाइस आराम से एक बढ़िया सी नींद लेके आते हैं और नेक्स्ट डे ऑक्शंस में जाने वाले हैं अपन लोग। पहले अपने शोरूम को थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं, सजा वजा देते हैं गाइस। हाउस में क्या कर सकते अपन लोग, बेड ड्रॉवर, बेड में जाते हैं, एक सेकेंड बेडरूम में जाते हैं, या फूल वूल माला वाला कारपेट में देखते हैं। हाँ हाँ भाई ये वाला सही लग रहा है, ज़्यादा ये तो सही लग रहा है। चलो कंटेनर को तो क्या ही हम करेंगे, अभी बाहर निकलते हैं। अब गाइस हमारा शोरूम बहुत ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। चलो गाइस ऑक्शन में चलते हैं, अभी तो क्या ही जाने का मतलब नहीं है। लैम्बोर्गिनी आ रही है, बस एक लैम्बोर्गिनी निकालते हैं। भाई ये काम करता है लैम्बोर्गिनी निकालने से कोई मतलब नहीं है, एक दो दिन अपन लोग बाकी कोई अच्छी कार है नहीं। चलो एक फरारी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो ही जाएगा। थोड़ी डैमेज ज़्यादा है, सेम वही कार वापस हमको मिल रही है 3 लाख में। भाई 2 लाख दूंगा, मैंने पहले भी 2 लाख में खरीदी थी, सीधी सी बात है गाइस। अरे यार 2 लाख में तो नहीं ले रहा, 2 लाख 30,000 में देते थे यार प्लीज, मेकिंग एंग्री। 2,70,000 इतने में तो गाइस को सेल करनी पड़ेगी यार, और क्या लेगा फिर, हमें जान लेगा क्या। फरारी ले लिया, अब इसको ले जाता है अपने शोरूम के अंदर। और तो इधर कोई अच्छी कार आ नहीं रखी जो हमारे लायक हो, बाकी सारी गरीबों की कार है। इनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो रिपेयरिंग गाइस अपनी सही हो गई,
ऑटो रिपेयरिंग में गाइस पेंट हो गई है। इसमें तो कुछ नहीं लगा रखा था, खाली का भी होने वाला है शायद। कितने बज गए, 8 या 9 बजे। अभी इस कार को जाकर फटाक से सेल पे लगा देते हैं। क्या नुकसान 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 समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें यार। कोई भी गाड़ी तो कितना भी ठोकते नुकसान नहीं होता, जो पहले से डैमेज होती है ना गाइस, बड़ी ज़्यादा ज़्यादा नुकसान हो जाती है, जैसे जल्दी डैमेज होती है। इस कार को सेल पर लगाते हैं। अपना शोरूम बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। 2,70,000 में खरीदी है, 9 लाख में लगा देता हूँ मैं इसको। अभी देखते हैं कोई कस्टमर आते हैं, पहले जाके कार देख के आ जाते हैं कौन कौन से आ रखे हैं बाहर, है ना। डैमेज है कार, इसे ज़्यादा रुपए नहीं मिलने वाले यार। सीट वो हो गए जी, तो अच्छी प्राइस बता रही है ना, बाय नहीं करके इसको 50,000 दे देते हैं, 5 लाख। देखते हैं कि लेते नहीं लेते। आई एम थिंकिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमने और भी ज़्यादा अपने डॉलर को 2 लाख से 1.2 मिलियन से हमने 1.2 मिलियन से 1.4 मिलियन कर देंगे डायरेक्ट। मतलब प्रॉफिट देख रहे हो आप। अभी स्कैन को उठाते हैं। आई नो गाइस आज के लिए इतना ही होगा। फटाफट से प्लीज गाइस फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना। आज के लिए इतना गाइस। मैंने बहुत सारी लग्जरी कार खरीदी थी और गाइस प्लीज वीडियो देखा करो यार, मेरी भी गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो गाइस तब तक के लिए